आज हम देखेंगे लेडीज पैंट बनाना जो हमने फुल इलास्टिक और पॉकेट के साथ बनाई है। आप चाहो तो इसको विदाउट पॉकेट भी स्टिच कर सकते हो। लेडीज पैंट में अगर आप क्रॉच की लंबाई गोलाई सही से देते हो तो आपका पैंट में जो बीच में खिंचाव आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा और फिटिंग आपके सामने है। तो पैंट कटिंग का जो ये मेथड है वो मैंने सभी साइज के लिए बताया है। अगर छोटी छोटी चीजें अच्छे से समझनी है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे नाप लेने से। तो सबसे पहले नाप आता है हिप साइज का। जैसे मैंने राउंड में टेप पकड़ा है और दो उंगलियों जितना लूजिंग रखना है और देखना है आपका हिप राउंड कितना आता है। तो मेरा आ रहा है 40 इंच। दूसरा नाप देखेंगे लंबाई का। जहां तक आपको पैंट की लंबाई चाहिए वहां तक टेप को नीचे तक छोड़ दीजिएगा और ऊपर की तरफ जहां पर आप पैंट को पहनते हो वहां पर पकड़िएगा। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 38 इंच। अब देखेंगे घुटने की गोलाई यानी नी राउंड। तो पैंट पहनने के बाद जब हम पैर को फोल्ड करते हैं तो टाइट हो जाती है, इसीलिए नाप लेते वक्त हम पैर को फोल्ड करके ही लेंगे और ये बिल्कुल फिटिंग में लेना है क्योंकि कटिंग करते टाइम हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो मेरा नी राउंड यहाँ पर आ रहा है 17 इंच। अब लेंगे मोहरी यानी बॉटम राउंड। तो वीडियो में दिखाए अनुसार आपको गोलाई में टेप को रखना है और देखना है आपका बॉटम राउंड कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 12 इंच। जरूरत के 4 नाप हमने यहाँ पर ले लिए हैं, हिप राउंड, लेंथ, नी राउंड और बॉटम राउंड। इसके लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और इसमें हम फुल इलास्टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले कपड़े को हम बिछा कर लेंगे। तो ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई नॉर्मल कपड़े जितनी ही है, 42 इंचेस। पहले हम कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड करेंगे यानी दोनों किनारे आपस में मिलाकर रखेंगे। अब हम इसको लंबाई में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों का एक साथ कटिंग करेंगे। फोल्ड करने के बाद कपड़ा कुछ इस तरह से नजर आएगा। मेरी तरफ ये फोल्ड है, आगे की तरफ ये सारे खुले लेयर्स रहेंगे। अब ये जो कपड़ा है ये ऊपर की तरफ अनइवन होता है तो उसको पहला सीधा लाइन ड्रॉ करके कट कर दीजिएगा। इस और किनारी है तो किनारी को भी निकाल दीजिएगा। अब जैसे मैंने बताया फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटेंगे तो नीचे की तरफ बैक रहेगा और बैक हमेशा चढ़कर रहता है, इसीलिए अगर आपका स्मॉल साइज है या फिर नॉर्मल साइज है तो आप 2 इंच छोड़िएगा। और हेवी साइज है आपका, अगर हिप साइज हेवी है जैसे कि 44, 46 तो उसके लिए आप 2.5 इंच पर लाइन बना दीजिएगा। तो मैंने 2 इंच पर बना दी है, हमारा नॉर्मल साइज है। और फिर इस तरह से आपको कपड़े को रखना है यानी नीचे वाला पल्ला आपको 2 इंच चढ़ाकर रखना है और हेवी साइज है तो 2.5 इंच चढ़ाकर रखिएगा। और फोल्ड जो है वो फिर से हम सेट करेंगे। अब इसको मैं पिंस लगा कर लूंगी क्योंकि जो हमने 2 इंच ऊपर छोड़कर कपड़े को फोल्ड किया है वो फोल्ड वैसे ही बना रहे। अब नीचे का जो पल्ला है इसको इस तरह से अंदर डालकर रखेंगे। अभी इसका कोई काम नहीं है तो अंदर की तरफ डालकर रख दिया है। अब यहां पर हम पहले फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आता है ऊपर की तरफ इलास्टिक। तो जितना भी आपका इलास्टिक है उसको इस तरह से फोल्ड करके यहां पर मार्क करना है। मार्किंग जो है वो थोड़ा सा एक लाइन जितना नीचे आएगा, इलास्टिक के नीचे आएगा, ठीक है। तो मेरा 1 इंच चौड़ा इलास्टिक है तो यहां पर मैंने छोड़ा है 2.25 इंच। जैसे मैं दिखाती हूँ ये 1 इंच चौड़ा इलास्टिक है तो उसको फोल्ड करने के लिए 1 इंच प्लस 0.5 इंच उसमें प्लस करना है और 2.25 इंच पर मैंने मार्क किया है। अगर आपका 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक है तो 1.5 इंच प्लस 0.5 इंच उसी हिसाब से आपको लाइन खींचनी है। अब उस लाइन के नीचे आपको लंबाई का नाप डालना है। जैसे मेरी तैयार लंबाई 38 इंच है तो मैं बराबर से 38 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करूंगी और यहाँ पर मैं लाइन बना दूंगी। लंबाई की लाइन हमें मिल गई। अब हम घुटने की लंबाई निकालेंगे तो उसके लिए जितनी भी आपकी लंबाई आई है वहां तक टेप को बीच में मोड़कर मार्क कर दीजिएगा। ये होगी आपकी नी लेंथ यानी घुटने की लंबाई। है आपका साइज कोई भी क्यों ना हो, फॉर्मूला सभी साइजेस में सेम रहेगा। अब देखते हैं आसन यानी क्रॉच। जितना भी आपका हिप साइज है उसका चौथा भाग करके उसमें 0.5 इंच मिलाना है। जैसा कि मेरा 40 इंच हिप साइज है, चौथा भाग हुआ 10 इंच, उसमें 0.5 इंच मिलाया, 10.5 इंच पर मार्क हो गया। तो ये सारे मार्किंग हमें मिल चुके हैं।
अब नीचे की तरफ मोरी फोल्ड करने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारी मोरी यानी बॉटम फोल्ड रहेगा। 2.25 मीटर से ज्यादा कपड़ा होने के कारण ये एक्स्ट्रा का बच गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका हिप साइज कितना है। जैसा कि मेरा हिप साइज 40 इंच है, चौथा भाग हुआ 10 इंच, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो 11.5 इंच आ गया। अब ये लाइन नीचे की तरफ खींच दीजिएगा। यहाँ पर नाप डालेंगे थाई का। थाई राउंड हमने नापा नहीं है, लेकिन उसका एक फॉर्मूला बताऊंगी। आपका जितना भी हिप साइज है उसका तीसरा भाग कीजिएगा, तो मेरा आ रहा है 13.25 इंच, उसमें 0.5 इंच प्लस करना है तो हो गया 14.25 इंच। तो 14.25 इंच पर मैंने मार्क किया है, और ये फॉर्मूला भी सभी साइजेस में अप्लाई होगा। आपके पास अगर ये आर्म होल कर्व है तो उसकी मदद से शेप दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत परफेक्ट शेप आता है। तो शेप तो हो गया आसन का। अब देखिए, यहां से यहां जितना भी है उसका आधा करके वहां पर एक सेंटर पॉइंट दीजिएगा, और उसी पॉइंट से नीचे की तरफ सीधी लाइन खींच दीजिएगा। इससे हमें पैंट का सेंटर मिल जाएगा। अब देखते हैं बॉटम राउंड यानी मोरी। तो मोरी की गोलाई हमारी आई थी 12 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो गया 13 इंच। 13 का आधा करेंगे हो गया 6.5 इंच। अब 6.5 इंच का आधा इस और आधा इस और, ठीक। तो 6.5 इंच पर मैंने टेप को पकड़ा है, उसको आधा किया है, तो आधा करने पर मुझे 3.25 इंच मिल गया, जो कि मैं इस और 3.25 इंच पर नाप डालूंगी, मार्क करूंगी, और दूसरा 3.25 इंच मैं लाइन के दूसरे ओर लगाऊंगी। तो इस तरीके से दोनों ओर हमने आधा आधा करके मार्क किया है। टोटल मेरा हो गया है 6.5 इंच। अब देखते हैं नी राउंड यानी घुटने की गोलाई। तो घुटने की गोलाई हमारी आई थी 17 इंच, उसमें 2 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे, हो गया 19 इंच। 19 इंच का हम आधा करेंगे तो ये हमें मिल गया 9.5 इंच। अब 9.5 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, मतलब कि देखो 9.5 इंच को मैंने फिर से आधा किया है तो ये हो गया 4.25 इंच। तो 4.25 इंच का मार्किंग इस और 4.25 इंच का मार्किंग लाइन की दूसरी ओर। इस तरीके से ये टोटल हमारा होगा 9.5 इंच। अब ये सारे पॉइंट्स हमें जोड़ने हैं, तो आप सीधी पट्टी से भी जोड़ सकते हो, या फिर आपके पास इस तरह की लेग कर्व है तो उसकी मदद से भी जोड़ सकते हो। लेग कर्व की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस उसके ऊपर तीनों पॉइंट्स रखते हुए आपको लाइन बना देनी है, ठीक है। अब जिनके पास लेग कर्व नहीं है उनके लिए भी मैं यहाँ पर मेथड बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये नीचे के 2 पॉइंट्स सीधी वाली स्केल के ऊपर रखकर लाइन बना दीजिएगा। दोनों तरफ सेम करना है, बस ये नी का पॉइंट और नीचे का बॉटम का पॉइंट ये पकड़ते हुए सीधी लाइन बना दीजिएगा, और ऊपर की तरफ आप हाथ से भी यहाँ पर शेप दे सकते हो, बिल्कुल आसान है। आपके पास लेग कर्व है तो आप एक ही बार में ये शेप दे सकते हो, नहीं है तो इस तरीके से आप 2 बार शेप दीजिएगा। अब आपके पास ये हिप कर्व है तो इससे भी बहुत सुंदर शेप आता है, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो इसको रखना है इस तरफ, यानी हिप कर्व की जो पीठ वाली साइड है वहां से आपको शेप देना है, ठीक। और इस साइड में आपको क्या करना है, इसको इस तरह से पलटकर यहां पर भी पीठ वाली साइड से आपको शेप देना है। तो अगर आपके पास हिप कर्व है तो हिप कर्व की पीठ वाली साइड से शेप देना है, और अगर लेग कर्व है तो लेग कर्व की अंदर वाली साइड। तो ठीक है, आप देख सकते हो ये लेग कर्व की अंदर वाली साइड और हिप कर्व की बाहर वाली साइड, दोनों का शेप बिल्कुल सेम रहता है। आपके पास जो भी स्केल है उसकी मदद से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से शेप दे सकते हो, ठीक। तो जैसे मैंने बताया, लेग कर्व की अंदर की साइड से और हिप कर्व की बाहर वाली साइड से आपको शेप देना है, और अगर दोनों नहीं है तो आप हाथ से भी दे सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, आपको हल्का सा अंदर की तरफ ले जाते हुए यहाँ पर छोटा सा कर्व देना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रंट वाला हमारा हो चुका है। नीचे की तरफ जो बॉटम की लाइन है उसको हल्का सा बाहर की तरफ तिरछा करते हुए शेप दीजिएगा। यहाँ पर फ्रंट का जो भी मार्किंग है वो पूरा हमने कर दिया है। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपको इस तरह से शेप नहीं चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर नी राउंड लिया है, अगर अपने बॉडी के ऊपर नी राउंड का मेजरमेंट नहीं लिया है, आपको लूज फिटिंग की पैंट चाहिए,
तो बस आप बॉटम का पॉइंट और ऊपर का थाई का पॉइंट पकड़िएगा और सीधी लाइन बना दीजिएगा, आपकी बिल्कुल लूज कंफर्टेबल पैंट बन जाएगी। अगर आप शेप भी देते हो तो भी जो हमने शेप देकर भी जो हमने मेजरमेंट्स डाले हैं वो भी आपको पूरी कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा लूज चाहिए तो आप इस तरीके से सीधी लाइंस बना दीजिएगा। और सीधी लाइन के बाहर जो भी बैक के मेजरमेंट्स होंगे, अगर सीधी लाइन खींची है तो सीधी लाइन के बाहर आपके बैक के मेजरमेंट्स आएंगे, और अगर शेप दिया है तो शेप के बाहर मेजरमेंट्स आएंगे। ठीक, तो फ्रंट का हो जाने के बाद अब मैंने नीचे का पल्ला जो फोल्ड करके रखा था उसे खोल दिया है, जो कि हमारा 2 इंच ऊपर रहेगा, और अब हम बैक के मेजरमेंट्स डालेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, बैक का जो पोर्शन होता है वो हमारा चढ़कर रहता है, इसीलिए हम 2 इंच ऊपर इसको मार्क करेंगे, जैसा मैंने अभी किया है। तो ये 2 इंच ऊपर मार्क आया है, अगर आपका हेवी साइज है तो 2.5 इंच ऊपर जाएगा। और फिर ये जो फ्रंट का पल्ला है यहां पर, इस कोने तक हम इसको तिरछी लाइन बना देंगे। तो ये हो गया। अब देखिए नीचे यानी फ्रंट की तरफ हमने कितना लिया था हिप का नाप, तो यहां पर ये हमारा आया था 11.5 इंच, राइट। तो उतना ही हमें बैक की ओर भी रखना है, तो बैक की लाइन तिरछी होने के कारण यहाँ पर नाप बढ़ जाता है, इसीलिए बराबर से 11.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया है। तो जितनी फ्रंट की लाइन है उतनी ही बैक की लाइन खींचनी है और इस तरह की एल स्केल लेनी है, और ये बराबर से लाइन को मिला के रखेंगे और फिर इस और जहां तक ये लाइन जाती है उसको खींच देंगे। मतलब कि यहाँ पर हमें 90 डिग्री एंगल की लाइन बनानी है। अगर आपके पास एल स्केल नहीं है तो आप बुक या नोटबुक से लाइन बना दीजिएगा। अब देखिए फ्रंट का यहां से यहां जितना भी अंतर है वो आप देखिएगा कितना है, तो मेरा यहां पर आ रहा है 2.25 इंच। इसी 2.25 इंच को उठाएंगे और लाइन के आगे रख देंगे, तो यहां पर भी मैंने 2.25 इंच का मार्किंग कर दिया। मतलब जितना भी फ्रंट का आ रहा है उतना ही बैक के लिए मार्क कर दीजिएगा, और यहां पर भी आर्म होल कर्व की मदद से गोलाई दीजिएगा। आर्म होल कर्व नहीं है तो हाथ से भी गोलाई दे सकते हो। तो बैक का आसन भी हमें मिल गया। अब बॉटम की ओर बैक पैटर्न के लिए हम 1 इंच बढ़ाकर रखेंगे और इसको भी तिरछी लाइन बना देंगे, क्योंकि फ्रंट की भी तिरछी लाइन है तो बैक की भी तिरछी लाइन बनाएंगे, और जो नी राउंड है उसके बाहर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और अगर आपने इस तरह से सीधी लाइन खींची है तो आप क्या करोगे, उस लाइन के बाहर 1.5 इंच आओगे, बस इतना ही फर्क रहेगा। ठीक, अब देखिए अब ये जो पॉइंट्स है इसको मैं जोड़ दूंगी। पहले तो मैं यहां पर सीधी लाइन बना दूंगी, अगर आपके पास लेग कर्व है तो उसकी मदद से भी आप लाइन बना सकते हो। तो ये सीधी लाइन बना दी, और ऊपर की तरफ मैंने यहां पर हिप कर्व की स्केल ले ली है। अगर आपके पास लेग कर्व है तो पहले यहां से यहां लाइन बना दो और फिर ऊपर की गोलाई दे दो। तो मैंने दोनों तरीके बताए हैं, दोनों तरीके से आप शेप दे सकते हो या फिर हाथ से भी दे सकते हो। अब देखिए ये जो बैक की लाइन है इसको पिंक कलर के चौक से मैं डार्क कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो जहां पर मैं डार्क कर रही हूँ वो हमारी बैक की लाइन है, और पहले हम वहीं से कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो बाहर की लाइन दिख रही है वहां से मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब ऊपर की तरफ अगर ये बैक की लाइन आपकी फ्रंट पैटर्न के ऊपर से जा रही है तो फ्रंट पैटर्न को नीचे की तरफ रख दीजिएगा, यानी निकाल दीजिएगा और फिर बैक की लाइन कटिंग कर दीजिएगा। लेकिन मेरी बैक की लाइन फ्रंट को टच नहीं हो रही थी इसलिए मैंने उसको कट कर दिया। अब ये ऊपर की लाइन भी कट कर देंगे, और इस ओर से भी जैसा शेप है फ्रंट का वैसा ही कटिंग करना है। तो यहां पर देखिए बैक साइड का तो हमारा कटिंग हो चुका है, लेकिन फ्रंट का भी बाकी है, क्योंकि फ्रंट की इस लाइन से हमारा कटिंग होगा। तो उसके लिए बैक को निकालकर साइड में रखना पड़ेगा। तो पहले मैं यहां पर लिख देती हूँ, ये हमारा बैक पैटर्न रहेगा जो पूरा कटिंग हो चुका है, इसको मैं रख देती हूँ साइड में, और जो फ्रंट है उसको फिर से बिछा के रखेंगे, और जो लाइन मैंने बताई है वहां से हम कटिंग करेंगे। तो फ्रंट का कटिंग अंदर की साइड से होगा। तो यहां पर हमारा फ्रंट का भी कटिंग हो चुका है। अब यहां पर मैं फ्रंट और बैक दोनों एक दूसरे के ऊपर रखकर दिखा रही हूं, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें समझानी है। अब देखिए फ्रंट का जो इलास्टिक का मार्किंग है जो 1.25 इंच पर हमने किया था वो तो बराबर से फोल्ड हो जाता है बिल्कुल सीधे में, यहां पर कोई झोल वगैरह नहीं आएगा,
क्योंकि ये दोनों तरफ से सीधी लाइन है, लेकिन बैक का ऐसा नहीं होता, बैक की हमारी तिरछी लाइन होती है। तो पहले मैं इलास्टिक की लाइन बना दूंगी 1.25 इंच नीचे जितनी फ्रंट की ओर है, और उसी लाइन के अगर ऊपर मैं फोल्ड करती हूँ तो आप देख सकते हो इस ओर जो है वो हल्का सा तिरछा नजर आता है, इसीलिए इसको सीधी लाइन बनाएंगे जहां तक फोल्ड है और उसके नीचे तिरछा जाके उसको मिला देंगे। तो इस तरीके से ये एक्स्ट्रा का हम कट कर देंगे। अब देखिए ये बराबर से सीधी लाइन बन जाती है, जब भी हम इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे तो बराबर से फोल्ड हो जाएगा और साइड की सिलाई भी यहाँ पर बराबर से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों अच्छे से कटिंग हो चुके हैं। अब हम पॉकेट का कटिंग करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके रखा है, 2 इंच ऊपर मार्क किया है, 6 इंच यहाँ पर मार्क किया है। पॉकेट आप 8 से 9 इंच रख सकते हो, मैंने 8 इंच रखा है, आप चाहो तो 9 इंच भी रख सकते हो। यहाँ पर लगभग आप 7 इंच पर मार्क कीजिएगा, मैंने गलती से 6 इंच पर किया है, लेकिन आप 7 इंच पर मार्क कीजिएगा और इस तरीके से पॉकेट का कटिंग कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर हमने पूरा पॉकेट के साथ कटिंग बताया है। अगले वीडियो में हम पूरे डिटेल में इसका स्टिचिंग भी देखेंगे और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, धन्यवाद।